जिलाधिकारी उड़ाएगा इन लाखों रुपए के जेवर की वापसी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यह उसने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हाथों में प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद इस व्यक्ति का नाम ज्ञानेन्द्र सिंह वर्मा निवासी अलीपुर खेड़ा थाना भोगांव है। पीड़ित ने यहाँ एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें उसने बताया है 8 अप्रैल के दिन शाम करीब 5 बजे वह अपनी सराफ की दुकान पर पुत्री के साथ बैठा था, तभी दो अनजान व्यक्ति आए और आभूषण दिखाने की कहने लगे। पिता पुत्री को बातों में लगाकर रखी हुई सोने की जेवर जो की दो पोटलियों में बंद था उसे उठा ले गए, जिनका वजन करीब 125 ग्राम था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दोनों तपते बाजों के चेहरे साफ हुए हैं। पीड़ित द्वारा थाने पर जानकारी दी गई, लेकिन थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। काफी समय बीत जाने के बाद भी पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित अब कार्रवाई के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पर मजबूर है। यहाँ उसने शिकायती पत्र देते हुए क्या कुछ कहा है, ये जरा आप भी सुनिए। क्या समस्या है, शिकायत करने आए हैं? हमारी दुकान ज्वेलरी की दुकान है, सराफा की, तो हमारी दुकान पे दो अज्ञात व्यक्ति आए जिनका हमारे पास फोटो भी है, और इन्होंने सामान दिखाने के लिए बोला ये दिखाओ, कुंडल दिखाओ, जंजीर दिखाओ। ऐसे करते करते वो सामान उठा के मतलब भाग गए। क्या क्या सामान आपका लेके गए? सामान तो काफी है, उसमें कुंडल है, झाले हैं, सुई धागा है, अंगूठियां। कितने कीमत का सामान? लगभग 8 लाख रुपए का मतलब सामान। थाने में शिकायत की आपने? जी, थाना भोगांव में FIR दर्ज कराई है और फोटो वोटो मतलब क्लियर निकलवा के दे देते हैं, और लगभग 1 महीना हो गया है, और पुलिस कह रही है कि इनकी डिटेल आ चुकी है, और वो क्या नाम जो है पुराना फोटो जैसे होता है वो भी आ गया, मोबाइल नंबर से क्या बोलते हैं सर्विलांस से उसका नंबर वंबर भी आ गया, लेकिन लोकेशन अभी मिल नहीं पा रही है।